बच्चे के पैदा होने के बाद हर एक पेरेंट्स के माइंड में ये सवाल आते हैं कि वो अपने बच्चे का वैक्सीनेशन कहाँ कराएं, कब और कैसे कराएं। वैक्सीनेशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराना सही रहेगा या प्राइवेट हॉस्पिटल में? न्यू पेरेंट्स का एक्सपीरियंस बहुत कम होता है, वह अक्सर इस सवाल को अपने रिलेटिव या पड़ोसी से पूछते रहते हैं। अलग अलग लोगों का व्यू सुन के वो और ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। आज मैं अपने इस वीडियो में इन्हीं सारी कन्फ्यूजन को दूर करने आया हूँ। ये पेरेंट्स की प्रॉब्लम वन टाइम नहीं होती है, जब भी बच्चे का वैक्सीनेशन कराना होता है वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, जैसे कि जन्म के टाइम पर, डेढ़ महीने पर, ढाई महीने पर और 3.5 महीने पर एंड सो ऑन। उनके दिमाग में ये बात भी आती है, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन कराया जाए तो उसका कॉस्ट कितना होगा, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन कराना उनके बच्चे के लिए ठीक रहेगा। मैंने लास्ट वीक एक फेसबुक पे पोल रखा और उसमें मैंने पूछा वो कौन कौन सी वैक्सीन है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल न होने से प्राइवेट हॉस्पिटल में लगाई जाती है। क्या मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए? ये क्वेश्चन मैंने अपने पोल में रखा और इसका रिजल्ट मेरे लिए शॉकिंग था। उसका आंसर यस था और 100% पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। उनमें से मेरी एक सब्सक्राइबर अलका जी हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। मुझे इस बारे में यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर भी सेम रिक्वेस्ट आई थी। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, लेकिन किसी ने क्लियर नहीं बताया है कि कौन सी वैक्सीन है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल न होने से प्राइवेट हॉस्पिटल में लगाई जाती है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट वैक्सीनेशन में क्या अंतर होता है और इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं बात करूंगा आज का पेरेंटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका पीडियाट्रिशियन डॉक्टर विजय कुमार यादव और आपका स्वागत है मेरे चैनल चाइल्ड ए टू जेड इंडिया पर। पेरेंटिंग स्टार्ट हियर विद पीडियाट्रिशियन, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं जन्म के समय क्या क्या टीके लगते हैं। जन्म के समय पर टोटल 3 टीके लगते हैं, ओपीवी, बीसीजी एंड हेपेटाइटिस बी। ओपीवी पोलियो को, बीसीजी टीबी को और हेपेटाइटिस बी को प्रिवेंट करने के लिए लगाई जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं ये तीनों वैक्सीन आप अपने बच्चे को कहाँ लगवा सकते हैं। ये वैक्सीन गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में सेम अवेलेबल है, आप अपने च्वाइस के अकॉर्डिंग इसे कहीं भी लगवा सकते हैं। नेक्स्ट वैक्सीनेशन शेड्यूल आता है 6 वीक यानी 1.5 महीने पर। इस टाइम पर आपको अपने बच्चे में क्या क्या वैक्सीन लगवाने चाहिए इस पे बात करते हैं। इस टाइम पर टोटल 8 बीमारियों को कवर किया जाता है जो इस प्रकार हैं: डिप्थीरिया जो गला घोटू को, पर्टुसिस जो काली खांसी को, टिटनेस जो टिटनेस को, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, हेपेटाइटिस बी जो हेपेटाइटिस बी को, रोटा वायरस जो डायरिया को, पीसीबी जो निमोनिया को, इंजेक्टेबल पोलियो जो पोलियो को प्रिवेंट करने के लिए लगाई जाती है। इस एज पर यानी 1.5 महीने पर इन 8 वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगाई जाती है। दोस्तों, ये सारे वैक्सीन अलग अलग न आके कॉम्बिनेशन फॉर्म में आती है, सो आपको टोटल 8 वैक्सीन न लगवा के 4 वैक्सीन ही लगवानी पड़ती है, जिसमें से 3 इंजेक्टेबल होती है और 1 ओरल होती है, जो इस प्रकार हैं। अलग अलग में आईपीवी, पीसीबी और रोटा आती है और कॉम्बिनेशन फॉर्म में पेंटावेलेंट वैक्सीन आती है। ये चारों वैक्सीन आप अपने बच्चे को कहाँ लगवा सकते हैं? ये सारी वैक्सीन गवर्नमेंट में अवेलेबल हैं, आप जाके वहाँ पर लगवा सकते हैं। दोस्तों, अब आपका बच्चा 10 वीक्स यानी 2.5 महीने का हो गया है, इस एज पर आपके बच्चे को क्या क्या वैक्सीन लगाई जाएगी इसके बारे में बात करते हैं। इस एज पर 1.5 महीने पर जो भी वैक्सीन लगी है उसकी सेकेंड डोज लगाई जाती है, जो इस प्रकार है: आईपीवी, पीसीबी, रोटा और पेंटावेलेंट की सेकेंड डोज लगाई जाती है। ये चारों वैक्सीन आप अपने बच्चे को कहाँ लगवा सकते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इस एज पर ओनली पेंटा और रोटा लगती है। आईपीवी और पीसीबी के लिए आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना होगा। अब आपका बच्चा 14 वीक्स यानी 3.5 महीने का हो गया है, इस एज पर क्या क्या वैक्सीन लगती है इस पे बात करते हैं। इस एज पर 1.5 महीने पर जो भी वैक्सीन लगी है उसकी थर्ड डोज लगाई जाती है। आईपीवी, पीसीबी, रोटा और पेंटावेलेंट की थर्ड डोज लगाई जाती है। दोस्तों, ये चारों वैक्सीन आप अपने बच्चे को कहाँ लगवा सकते हैं? ये सारी वैक्सीन गवर्नमेंट में अवेलेबल हैं, आप जाके वहाँ पे लगवा सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैक्सीनेशन कब कराना है। अब आपका बच्चा 6 मंथ का हो गया है, इस एज पर आपके बच्चे को क्या क्या वैक्सीन लगती है इस पे बात करते हैं, जो इस प्रकार हैं: इन्फ्लुएंजा जो स्वाइन फ्लू और ओपीवी जो पोलियो से प्रिवेंट करता है। ये दोनों वैक्सीन आप अपने बच्चे को कहाँ लगवा सकते हैं?
पेरेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ कि इस एज पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई वैक्सीन नहीं लगती है, इसलिए इन दोनों वैक्सीन को लगवाने के लिए आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना होगा। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की 2 डोज लगती है जो 1 मंथ के अंतराल पर लगती है, यानी पहली वैक्सीन आपको 6 मंथ पे लगेगी और दूसरी वैक्सीन आपको 7th मंथ पे लगवाना होगा। दोनों ही टाइम पर यह वैक्सीन लगवाने के लिए आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना होगा। अब बात करते हैं 9th मंथ पे क्या वैक्सीन लगती है। इस एज पर टोटल 6 वैक्सीन लगती हैं जो इस प्रकार हैं, MR1 जो मिजल्स और रूबेला से, JE1 जो जापानीज इंसेफ्लाइटिस से, PCV बूस्टर जो निमोनिया से, विटामिन ए जो रतौधी से, टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन जो टाइफाइड से, मेनिंगोकोकल वैक्सीन जो मेनिनजाइटिस से प्रिवेंट करता है। ये 6 वैक्सीन आप अपने बच्चे को कहाँ लगवा सकते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ओनली 4 वैक्सीन लगाई जाती है जो इस प्रकार है, MR1, JE1, PCV बूस्टर और विटामिन ए। टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन और मेनिंगोकोकल वैक्सीन के लिए आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैक्सीनेशन किस एज पर लगवाना है। अब आपका बच्चा 12 महीने यानी 1 साल का हो गया है, इस एज पर आपके बच्चे को क्या क्या वैक्सीन लगाई जाएगी इस पे बात करते हैं। इस एज पर हेपेटाइटिस ए जो हेपेटाइटिस ए से, मेनिंगोकोकल की 2nd डोज जो मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है, ये 2 वैक्सीन इस एज पर लगाई जाती है। ये दोनों वैक्सीन आप अपने बच्चे को कहाँ पर लगवा सकते हैं? ये दोनों वैक्सीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं लगाई जाती है, इन दोनों वैक्सीन को प्राइवेट सेक्टर में लगवाना होगा। हेलो दोस्तों, अब आपका बच्चा 15 महीने का हो गया है, इस एज पर आपके बच्चे को क्या क्या वैक्सीन लगाई जाएगी इस पे बात करते हैं। इस एज पर वेरिसेला जो चिकन पॉक्स से प्रिवेंट करता है लगाई जाती है। यह वैक्सीन आप अपने बच्चे को कहाँ लगवा सकते हैं? यह वैक्सीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, इस वैक्सीन को आप प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवा सकते हैं। अब आपका बच्चा 16 महीने का हो गया है, इस एज पर आपके बच्चे को क्या क्या वैक्सीन लगवानी होगी? MR2, JE2 एंड पेंटावेलेंट, ये 3 वैक्सीन इस एज पर लगाई जाती है। ये तीनों वैक्सीन लगवाने के लिए आपको कहाँ जाना होगा? ये तीनों वैक्सीन गवर्नमेंट में अवेलेबल है, आप इसे लगवा सकते हैं। अब आपका बच्चा 18 मंथ का हो गया है, इस एज पर जो वैक्सीन लगाई जाती है ये इस प्रकार है। इस एज पर हेपेटाइटिस ए की 2nd डोज, IPV बूस्टर और विटामिन ए की 2nd डोज दी जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं ये तीनों वैक्सीन कहाँ लगाई जाती है। विटामिन ए सिरप आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पिलाया जाता है, हेपेटाइटिस ए और IPV के लिए आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना होगा। अब बात करते हैं, अब आपका बच्चा 2 से लेकर 3 साल का हो गया है, तो इस एज पर आपके बच्चे को क्या क्या वैक्सीन लगाई जाएगी इस पे बात करते हैं। इस एज पर टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन की 2nd डोज लगाई जाती है जो टाइफाइड से प्रिवेंट करती है। यह वैक्सीन कहाँ पर लगाई जाती है? यह वैक्सीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, इसके लिए आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना होगा। दोस्तों अब आपका बच्चा 4 से लेकर 6 साल का हो गया है, इस एज पर आपके बच्चे को क्या क्या वैक्सीन लगती है? DPT बूस्टर का 2nd डोज, MMR की 3rd डोज, वेरिसेला की 2nd डोज और OPV की 3rd डोज लगाई जाती है। ये 4 वैक्सीन इस एज पर लगाई जाती है। इन 4 वैक्सीन को लगवाने के लिए आपको कहाँ पे जाना होगा? DPT बूस्टर की 2nd डोज और OPV की 3rd डोज या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगाई जाती है। अगर आपको अपने बच्चे में वेरिसेला की 2nd डोज और MMR की 3rd डोज लगवानी है तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना होगा। अब बात करते हैं, अगर आपका बच्चा 9 साल से लेकर 14 साल के बीच का है तो इस एज पर क्या क्या वैक्सीन लगाई जाएगी। इस एज पर TDAP और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की 1st और 2nd डोज लगाई जाती है। ये दोनों वैक्सीन कहाँ पर लगेगी? यह दोनों वैक्सीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, इसके लिए आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना होगा। TDAP बोथ गर्ल्स और बॉयज में लगता है, जबकि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन ओनली गर्ल्स में लगता है। दोस्तों अब वैक्सीन के बारे में मैं एक पूरी समरी बताने जा रहा हूँ। ऊपर जो भी वैक्सीन मैंने बताया है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट की हो, आपको अपने बच्चे में क्या क्या वैक्सीन लगवाना है। मैं अपने बेबी में जो भी वैक्सीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं उसको लगवाता हूँ, और जो भी वैक्सीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवाता हूँ। यह रूटीन चाहे तो आप भी फॉलो कर सकते हैं। ये सारे वैक्सीन बच्चों से रिलेटेड सारी बीमारियों को कवर भी कर लेते हैं और पेरेंट्स के लिए यह काफ़ी इकोनॉमिक भी रहता है। आई होप पेरेंट्स को वैक्सीनेशन से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वीडियो के लास्ट में बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट शेड्यूल का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, पेरेंट्स चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो का नेक्स्ट सेक्शन है पेरेंटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पेरेंटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ।
इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पेरेंट्स की छोटी सी सावधानी आपके बच्चे के लिए कितना काम आ सकती है। आज मैं बात करूँगा बच्चे के वोमिटिंग और डायरिया के टाइम पर पेरेंट्स अपने बच्चे को डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन को कैसे बनाना है, इसे कब और कैसे देना है। जब भी बच्चे को डायरिया और वोमिटिंग होती है तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आप अपने बच्चे की इस कंडीशन को देख के टेंस हो जाते हैं और इस पैनिक सिचुएशन में आप गलती करने लगते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चे को डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इस वजह से वो ORS के साथ साथ अलग अलग प्रिपरेशन देने लगते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोल लिक्विड, कोकोनट वाटर एक्सेट्रा। कुछ पेरेंट्स तो ORS बन करके रियल जूस पिलाने लगते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को और ज़्यादा वोमिटिंग और डायरिया होने लगता है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपका बच्चा ORS पिलाते ही बार बार वोमिटिंग कर दे रहा है तो आप 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक अपने बच्चे को कुछ ना दें। ऐसा करने से उसकी हाइपर एक्टिव बाउल म्यूकोसा सेटल हो जाएगी। आप अपने बच्चे को फिर से ORS पिला सकते हैं। ORS दो प्रिपरेशन में आती है, एक जिसे 1 लीटर पानी में बनाना होता है और दूसरा जिसे 200 ml पानी में बनाना होता है। ORS बनाने से पहले आप हाथ को अच्छे से क्लीन कर लें, फिर सैचेट के अकॉर्डिंग उसे 1 लीटर या 200 ml पानी में एक बार में ही डिजॉल्व कर लें, यानी पूरा सैचेट को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर में घोल लें। आप ट्राई करें 200 ml वाला सैचेट लें और इसे 200 ml पानी में डिजॉल्व कर लें। एक साथ ज़्यादा अमाउंट देने से अच्छा है कि आप स्मॉल स्मॉल अमाउंट में अपने बच्चे को दें। एटलीस्ट हर बार दूसरा स्मॉल अमाउंट देने से पहले 5 मिनट का गैप रखें। ऐसा करने से बच्चा इसे इजिली पी लेगा। अगर बेबी इलेक्ट्रोल पीने से बिल्कुल इनकार कर दे रहा है तो आप इसकी जगह पर कोकोनट वाटर, दाल का पानी, चावल का पानी यानी मार दे सकते हैं। एक बार ORS बनाने के बाद इसे रूम टेम्परेचर पर 8 से लेकर 10 घंटे तक रख सकते हैं, उसके बाद इसे डिस्कार्ड कर दें। दोस्तों, अगर इतना करने के बाद भी आपके बच्चे का डायरिया और वोमिटिंग कंट्रोल नहीं हो रहा है तो एक बार पीडियाट्रिशियन से ज़रूर कंसल्ट कर लें। ऐसे सिचुएशन में मैं कई बार सिरप, जिंक, प्रोबायोटिक और इन्फेक्टिव और नॉन इन्फेक्टिव के बेसिस पर एंटीबायोटिक भी ऐड करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। मैं वीडियो के लास्ट में पेरेंट्स से बस 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। फर्स्ट वन, क्या आप अपने बच्चे को पेनलेस या पेनफुल वैक्सीन लगवाते हैं? अगर पेनलेस वैक्सीन लगवाते हैं तो क्यों लगवाते हैं? क्या आपको मालूम है आपके बच्चे के लिए पेनलेस या पेनफुल वैक्सीन में क्या अच्छा रहेगा? और सेकेंड वन, आप ORS सोल्यूशन कैसे बनाते हैं? क्या आप ORS सैचेट को एक बार में ही घोल लेते हैं और स्मॉल अमाउंट में अपने बच्चे को पिलाते रहते हैं, या एक बार में हाफ या 1/3 सैचेट ही घोलते हैं? आई होप यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही बच्चों से रिलेटेड वीडियो के लिए मेरे चैनल चाइल्ड A to Z इंडिया को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।